पंछी मारू उनती वीडियो कर रहा। कहां से आते हैं? तो गाइस फाइनली ये जो लोकेशन अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो गाइस अभी हम लोग है देवीपुर डीबीसी के ऊपर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं रोहित इधर दो चले आए, तो थोड़ा डीबीसी का रोज अक्सर ही आया करते हैं, 7 दिन में 5 दिन मान के चलो। क्या बोला तूने? तो थोड़ा यहाँ का व्यू भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जो मेमाड़ी का नदीपुर है, नदीपुर से नीचे से जो गया हुआ है वो नदी है, नदी नहीं कह सकते, ये एक्चुअली एक कैनल है। अरे कहना क्या चाहते हो? दामोदर का नदी आ रही है, ये हो रहा आपका देवीपुर का डीबीसी। और इधर जा रहा है ये बैंची लॉक गेट। बैंची के बाद कितना दूर तक है उतना मालूम नहीं है, यही डिजाइन था। और अभी हम लोग जाने वाले हैं इस साइड। हाँ, इस साइड भी कभी कभी जाते हैं, बट अभी जाने वाले हैं इस साइड। कौन है ये लोग? तो आज पैदल आए हैं, तो यहाँ का आसपास का जो व्यू है वो अच्छे से दिखा देते आप लोग। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये साला इतना कंजूस है, मतलब वीडियो कैमरा भी करेगा तो नहीं करता। यहाँ का लोकेशन भी मैं बोलता कभी कभी ले लेना। क्या पता जब इसके मोबाइल से मेरा हो रहा है तो मैं अपना फोन क्यों बार करूँ? बड़ा हरामी हो बेटा। क्यों निकालू बार करूँ नहीं। अच्छा, बंगाली हूँ, एक्सेंट तो थोड़ा आएगा ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इधर का लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा। पंछी मारू कर रहा है, पाकी डांस भूड़ी वाला। तो गाइस यहाँ का लोकेशन देखिए, वो इधर देखिए, इधर नदी दिख रहा है, ठीक है। क्या बोला तूने? ये नदी इधर, और इधर देखिए इस साइड में घर बना हुआ है। हाय गाइस, घर बना हुआ है। हाय गाइस, समझ रहे हो? देखो ये है रोड, रास्ते के नीचे इस साइड में इधर इस टाइप का घर यहाँ बना हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मिट्टी का भी घर इधर दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर तो अभी मिट्टी का घर दिखता नहीं है। तो गाइस फाइनली ये जो लोकेशन अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग अक्सर देखते हैं हर वीडियो में, इसका 2-3 वीडियो तो आ चुका है, तो देखिए। वाओ, क्या लोकेशन है ना। इधर पूरा आलू का खेत दिख रहा है, पूरा हरियाली दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। उधर जो गोकुल डांगा, यहाँ जो लोकल का अगर मेरा ब्लॉग कोई देखता होगा तो उसको मालूम होगा, वो गोकुल डांगा एरिया है, आप लोग को मालूम नहीं होगा। और जो और भी थोड़ा दूर का मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग का देवीपुर जो है ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता। अरे कहना क्या चाहते हो? आता वो जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में आता है। और वेस्ट बंगाल कहाँ आता है? इंडिया में। और इंडिया कहाँ आता है? एशिया में। और एशिया कहाँ आता है? पृथ्वी में। बोल उसके बाद भी बोल, मुझे पता है। बोल उसके बाद भी बोल, मुझे पता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पृथ्वी कहाँ आता है? गैलेक्सी में। गैलेक्सी कहाँ आता है? यूनिवर्स में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और यूनिवर्स कहाँ आता है? मेरी झाट में। झाट में। क्या बोला तूने? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो गाइस इधर का लोकेशन देखिए, वाओ। अबे रोहित, ये अगर डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर देखेगा बॉलीवुड का, अच्छा, तो इस लोकेशन को तो बुक कर लेगा वो लोग शूटिंग के लिए। क्या बोला तूने? पाव है ना, देखो उसका जो कैमरा जो होता है ना, उसका कैमरा क्वालिटी तो बहुत अच्छा होता है। हाँ। थोड़ा बहुत ये भी जो सीन है तो ये भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सब चारों तरफ से हरियाली दिख रहा है। इधर भी जितना है सब खेत और दिख रहा है थोड़ा बहुत। और इधर पीछे इधर बांस झाड़ भी दिख रहा है, बांस झाड़ ठीक है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 2000 years later।
तो गाइस फाइनली मेन लोकेशन में आ गए हैं जहां हम लोग अक्सर आया करते हैं। तो लगभग 4 या 5 दिन पहले आए थे, तो 2 दिन बाद मैंने एडिटिंग करके कंप्लीट करके उस ब्लॉग को भी मैंने अपलोड किया है। तो वो ब्लॉग शायद आप लोग देखे होंगे, कुछ बंदे लोग देखे होंगे, व्यूज़ भी कुछ काफ़ी आया है। लेकिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो गाइस उतना दूर लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर ही होगा। रोहित कौ किलोमीटर हो बेटा? 1 किलोमीटर आप ना 2 किलोमीटर लगभग अराउंड आप हाँ तो अराउंड आप 2 किलोमीटर के आसपास इसको मान सकते हैं। लेकिन हम लोग आज पैदल ही आ गए तो थोड़ा हाँप गए क्योंकि धूप जो है ना अच्छा काफ़ी तेज है आज। तो 2431 स्टेप हमने क्रॉस किया। हाँ तो आज पैदल ही आए क्योंकि जितना सुना है मैंने कि 6000 स्टेप एक बंदे को चलना चाहिए एक दिन में, है ना? अच्छा हमको सिखा दिया है ना। तो 6000 स्टेप चलना चाहिए, उसी लिए क्या करते हैं ज़्यादातर बाइक लेके आना जाना करते हैं, तो तेल भी बचेगा थोड़ा पैदल चलेंगे तो मज़ा भी आ रहा है क्योंकि पैदल चल रहे हैं तो इसके एक्सपीरियंस अलग ही मज़ा है। अगर तुम कितने भी दूर चले जाओ ना प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, अच्छा ही लगता है। और बात करते करते दो बंदे साथ में है ना, इसी वजह से मालूम भी नहीं आ पा रहा। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है, पूरा TMT बार जैसे स्ट्रांग है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो लोकेशन यहाँ भी हम लोग कुछ रील्स वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होता है। एक मुलाकात हूँ तू मेरे पास। तो हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम से कम 40 मिनट तो हो ही चुका होगा, 40-45 मिनट। बट रोहित आज भी नाव में चलने गया था। क्या बोला तूने? बट वहाँ एक बंदा आ जाए ऑलरेडी, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते, उसलिए बेचारा का मूड ऑफ हो गया। मैं उसको बोला कि चलो तुमको हावड़ा लेके जाते हैं, वहाँ लॉन्च से पार करके इसको बाबूघाट लेके जाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। बड़ा सा लॉन्च, लेकिन वो बोला नहीं, वो लॉन्च का बात अलग है, वो जो नाम है बड़ा वाला। बैठ सकता है लेकिन ड्राइव तो नहीं कर सकता है ना, तो मुझे जो अच्छा लगता है वो ड्राइव करना है। वो ड्राइव करना चाहता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस लॉन्च को ही ड्राइव करना इसको दूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। उसका बात तो क्या हो सकता है, आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं। 2000 years later. तो गाइस काफी टाइम तो यहां बिता चुके, बट अभी निकले हैं घर क्योंकि भूख भी लगा, अभी लगभग 1:30 बज रहा है। तो 2 किलोमीटर हटना पड़ेगा अभी, 2 किलोमीटर समथिंग हम लोग अभी जाना भी पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ तो उसको प्यास लगा पानी, अबे उधर उधर पानी है तो नदी के किनारे। कहाँ से आते हैं? इतना पानी रहते उसको पानी प्यास लगा, भाई वहाँ डुबकी मार ले। क्या बोला तूने? तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, लाइक करना। और इसका पहले जो नाव रोहित चलाया यहीं पर आए थे हम लोग कुछ दिन पहले, तो वो बोला कि अगर नहीं देखें आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं मैं, और नहीं तो वीडियो के एंड में भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।